परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दल भी इसमें लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सभी राज्यों से चर्चा करनी चाहिए कि भविष्य में ये परीक्षा कैसे आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में टेस्टिंग सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में आगामी सत्र में जोरों शोरों से उठाए। हालांकि उन्हें इस पर चर्चा होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं मानते हैं कि सरकार मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं देगी। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA में वास्तव में गड़बड़ी है और मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है, जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए प्रश्न पत्रों का पहले से उत्तर उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा, गुजरात में हुए कुछ घटनाओं ने मुझे हैरान कर दिया है और यह बड़ी राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि NTA को इनमें से कुछ गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार सामने आता है तो अंधभक्त इसके लिए UPA को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है, इस प्रकार के बयान देने से पहले वह पूरी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं। NEET UG परीक्षा मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट। We'll be right back.